नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको देश और समाज से जुड़ी बड़ी खबरें और अनसुनी कहानियां बताते हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस व्यक्ति की जिसने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए एक अनोखा और विचित्र तरीका अपनाया है। हम बात कर रहे हैं मुकेश प्रजापति की, जो अपने मुद्दों और शिकायतों के जवाब न मिलने पर सड़कों पर रेंगते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। शिकायती पन्नों की माला पहने मुकेश की ये कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई और इससे जुड़े तथ्यों के बारे में। पहले जानते हैं कि आखिर मुकेश प्रजापति कौन है। तो देखिए, मुकेश प्रजापति मध्य प्रदेश के रहने वाले एक आम नागरिक हैं, जिनका जीवन एक सामान्य सा दिखने वाला था, लेकिन उनके साथ हुई कई घटनाओं ने उन्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। मुकेश की कहानी शुरू होती है कई सरकारी दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर काटने से, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती। कई महीनों से उन्होंने अपनी समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। मुकेश प्रजापति ने अपने बयान में कहा कि मैंने हर दरवाजा खटखटाया, हर अधिकारी से विनती की, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरी सारी शिकायतें इस फाइलों में बंद हैं। जब कोई सुनने को तैयार नहीं था, तब मुझे ये कदम उठाना पड़ा, जिसके बाद फिर अपने मुद्दों के समाधान न मिलने पर मुकेश प्रजापति ने जो तरीका चुना वो किसी भी आम विरोध से अलग था। वो सड़कों पर रेंगते हुए विरोध करने लगे और उनके गले में थी शिकायती पत्रों की माला। ये दृश्य जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। मुकेश का कहना है कि ये माला उनकी पीड़ा और सरकार की लापरवाही का प्रतीक है। हर एक पन्ना उनकी एक नई शिकायत को दर्शाता है, जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मुकेश ने बताया कि उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था। वे चाहते थे कि उनके मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए और प्रशासन तक उनकी आवाज पहुंचाई जाए। उनका यह विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन इसका प्रभाव बेहद ही गहरा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या समस्याएं थीं जिनकी वजह से मुकेश ने ये कदम उठाया। मुकेश की शिकायतें स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकारी नीतियों तक से जुड़ी थीं। उन्होंने सरकारी योजनाओं में हो रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और उनकी जमीन से जुड़े विवादों को लेकर शिकायतें की थीं। इसके अलावा उनकी कई व्यक्तिगत समस्याएं भी थीं, जिनका समाधान करने में प्रशासन विफल रहा, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे न्याय चाहिए था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। मेरी जमीन का विवाद, सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही, इन सभी समस्याओं ने मुझे इस रास्ते पर धकेल दिया। मुकेश प्रजापति के इस अनोखे विरोध प्रदर्शन ने पूरे समाज और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनके इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी। कई लोगों ने उनके साहस और धैर्य की सराहना भी की, तो कुछ ने ये सवाल उठाया कि आखिर प्रशासन इतनी लापरवाही क्यों कर रहा है। वहीं प्रशासन ने इस मामले में अपने बचाव में कहा कि मुकेश की शिकायतें लंबी प्रक्रिया के अधीन थीं और उन पर काम चल रहा था। उन्होंने अपने बयान में कहा, हमारी टीम ने मुकेश प्रजापति की शिकायतों को गंभीरता से लिया है और उन पर काम भी कर रही है। हालांकि कुछ मामलों में समय लग सकता है, लेकिन हम उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुकेश प्रजापति का संघर्ष अभी भी जारी है और उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का उचित समाधान नहीं हो जाता, तब तक वे अपनी आवाज उठाते रहेंगे। मुकेश जैसे आम नागरिकों की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज भी हमारे समाज में ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान समय पर नहीं हो पाता और लोगों को अपने हक के लिए ऐसे संघर्ष करने पड़ते हैं। मुकेश ने आगे कहा कि मैं ये संघर्ष तब तक जारी रखूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूं और मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरी आवाज सुनी जाएगी। साथ ही मुकेश प्रजापति की कहानी हमें ये बताती है कि कभी कभी अपने हक के लिए लड़ाई करना कितना कठिन हो जाता है। उनकी ये अनोखी पहल और विरोध का तरीका शायद उनके जैसे कई लोगों को प्रेरित करे जो न्याय की उम्मीद में संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या मुकेश प्रजापति को उनकी शिकायतों का समाधान मिलता है या फिर नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी समस्याओं का हल जल्द से जल्द निकले और उनके जैसे और लोगों को अपने अधिकारों के लिए इस तरह संघर्ष ना करना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।